नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैं कॉलेज गया था, जहाँ काफ़ी अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ, जो थर्ड या फोर्थ ईयर कॉमर्स में थे, ग्रेजुएट करने वाले थे। और उनमें एक लड़की आई मेरे पास, उसने पूछा कि उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने उसकी कुछ पेंटिंग देखी, वाकई बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी और उनकी नौकरी लग चुकी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय सर, मैं जॉब करूँ या पेंटिंग करूँ? तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उन्हें सलाह क्या दी। और ये मेरी जेन्युइनली मेरी ये थिंकिंग है कि एटलीस्ट जब आप यंग हैं, आपको इस तरह सोचना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि अभी आप पेंटिंग को अपना करियर ना बनाएं, और आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये आर्ट वाली जो फील्ड है, चाहे वो एक्टिंग हो, पेंटिंग हो, वगैरह वगैरह म्यूज़िक, ये टिपिकली विनर टेक ऑल वाली इंडस्ट्री होती है, जहाँ कुछ लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं, मोस्ट लोग शायद इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 5 दिन आपका ऑफिस का है, 2 दिन आपका अपना है, ऑलमोस्ट 30%, 2 out of 7 आपका अपना है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगले 5 से 7 साल आप पूरे 5 दिन लगन से नौकरी करें, लेकिन 2 दिन आप लगन से पेंटिंग करें। तो आपका रेशियो होगा 70-30 फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years, 5 से 7 साल। उसके बाद अगर आपकी नौकरी में आप बहुत तरक्की कर रही हैं, तो आपको अपने आप ही एक समय आएगा जहां आप वो 5 दिन का काम 4 दिन में भी कर पाएंगी, और आपको न तो जल्दी ऑफिस जाना होगा, न बहुत घंटों तक ऑफिस में बैठना होगा। जब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है आपकी ज़िंदगी का, तब आप एक काम करना, तब ये जो पेंटिंग जो 2 दिन आप कर रही हैं, उनको आप 2.5 से 3 दिन कर देना। सो 4 दिन नौकरी, 3 दिन पेंटिंग। धीरे 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 करके एक समय आएगा जहां आपका हो जाएगा आधा ये नौकरी, आधा ये पैसिव पेंटिंग। और जब आपको लगे कि आपको नौकरी की अब ज़रूरत नहीं है, आपके पास इनफ सेविंग आ गई है, एक वेल्थ आ गया है कि आप उस पैसे से भी अगले 5 से 7 साल आप ज़िंदगी बिता सकते हैं, तब आप पेंटिंग को आप फुल टाइम अपना काम बना सकते हैं। तब 2 चीज़ हो जाती है। पहला, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज जो पेंटिंग आपकी हॉबी है, 10-15-20 साल बाद भी वो आपकी वैसी ही हॉबी रहती है नहीं रहती। अगर तब भी आप में उतना ही जुनून है पेंटर बनने का, उतनी ही इच्छा है पेंट करने की, तो आप खुद ही समझ जाएंगे और फिर आप वो करेंगे। लेकिन आज के दिन अगर आप श्योर नहीं हैं, और आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपकी अच्छी नौकरी लग गई है, तो फिर सिर्फ पेंटिंग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है डिसीशन। लेकिन जो दुनिया आज की हमारी हो रही है, हमें 2 चीज़ों पे कोशिश करनी चाहिए कि एक पैसिव चीज़, एक हॉबी पे भी हम ध्यान दें। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। जिस तरह से टेक्नोलॉजी के चेंजेस हो रहे हैं आज हमारी दुनिया में, चाहे वो AI है, कंप्यूटर साइंस ड्रिवन है, कितनी सारी चीज़ें जो पहले थीं आज हैं ही नहीं, ठीक है। जैसे जब मैं बचपन में हमारी नानी के यहाँ राजस्थान में जाते थे, हम घोड़ा गाड़ी से जाते थे, राइट, वहाँ टांगे होते थे। अब वहाँ गाड़ियाँ और टैक्सियाँ चलती हैं, टांगे हैं ही नहीं, राइट। आज जो ड्राइवर वाली टैक्सियाँ हैं, मे बी 15-20 साल में ड्राइवर लेस हो जाएंगे। सो काफ़ी सारे करियर्स जो पहले थे वो आज नहीं हैं। सो मुझे जो लगता है, रिसेंटली मैं किसी से मिला था, एक अमेरिकन लेडी थी, काफ़ी ज्ञानी थी, उन्होंने कहा था कि अजय, इन द फ्यूचर पीपल विल हैव प्रॉबली 5 different careers। इन द फ्यूचर यानी कि अगले 15-20-25-30-50 सालों में हमारे जो बच्चे हैं आज के, उनके 5 अलग-अलग करियर होंगे, जिनमें से 2 आज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें मालूम ही नहीं है। तो आज के लिए इसीलिए हमें कुछ स्किल सेट्स बनानी पड़ेंगी जो फ्यूचर में भी काम आए। उसमें आर्ट बहुत ज़रूरी है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, बाहर की एक भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी हमेशा इच्छा रही है, जो मैं अपने सारे बच्चों को ये हमेशा बोलता हूँ, कि एक नई भाषा सीखो, आर्ट में ध्यान दो, चाहे वो ड्रामा हो स्कूल में, पेंटिंग हो, वगैरह वगैरह। क्योंकि अगले 30-40 साल में जो दुनिया आने वाली है, बहुत अजीब भी होगी, नई नई चीज़ें होंगी और नए नए करियर्स होंगे, ठीक है। जब यूट्यूब ही नहीं था, तो यूट्यूबर ही करियर नहीं था। तो 15 साल पहले कोई मुझे कहता कि अजय जी, आप एक कैमरा की तरफ बात करके लोगों तक पहुंचोगे, मैं विश्वास ही नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता।
कि तब हम एक ही चीज़ सोच सकते थे कि ये तो सिर्फ टीवी पे आने से पॉसिबल है। तो जैसा मैंने इस यंग लड़की को बोला कि आप 2 दिन पेंटिंग करें, 5 दिन नौकरी करें, 10 साल बाद 4 दिन नौकरी करें, 3 दिन पेंटिंग करें, 20 साल बाद मे बी 3 दिन नौकरी, 4 दिन पेंटिंग, तो आप डिसाइड करें, लेकिन कोशिश करें कि वीकेंड्स में एक हॉबी को आप अपनाएं, आगे बढ़ें उसमें, क्योंकि फ्यूचर जो है, जो हमारा भविष्य अभी आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कैसा होगा, इसलिए अलग अलग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिस्कशन मेरा ये कॉलेज में हुआ लोगों से कि 5 दिन क्या करना है, 2 दिन क्या करना है, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ। एक चीज़ होती थी केमिस्ट्री में, हम पढ़ते थे pH, एसिडिक या अल्कलाइन या PhD, इससे आप याद रखिएगा, P इज़ फॉर प्रोफेशन, H इज़ फॉर हॉबी। ये pH का रेशियो आप डिसाइड कर लीजिए, ऑफिस आपको अलाउ करती है कि 5 दिन का P, 2 दिन का H, तो अगले 5 साल आप pH को रखिए 5:2, फिर कर दीजिए 4:3, फिर कर दीजिए 3:4, इवेंचुअली कर दीजिए 0 और 7, वो आपकी इच्छा है, लेकिन प्रोफेशन वर्सेस हॉबी, इस दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली करिए। अब आपको मैं एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। जब मैं ये कैमरे से बात कर रहा हूँ, हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं, जो कैमरा मैन है, उनका नाम है नॉयन, वो कैमरे के पीछे है, कभी आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग अभी भी पॉज हो रही है, वो हंस रहे हैं कैमरे के पीछे, मैं उन्हें देख सकता हूँ। नॉयन, यू कैन से हाय। हाय। गुड। सो नॉयन मेरे से कह रहे हैं कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग में, और फिजिक्स है इनका पैशन, ठीक है, लेकिन इनको जर्नलिज्म और डॉक्यूमेंट्री बनाने का बहुत शौक था। तो इंजीनियरिंग तो इन्होंने कर ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म भी किया, उसमें ये टॉपर हुए हैं कॉलेज में, और ये मिल गए विवेक बजाज को। तो विवेक ने कहा कि नॉयन, तुम तो आउटस्टैंडिंग हो जो करते हो, तो तुम्हें यही करना चाहिए। लेकिन नॉयन ने जब मेरी ये बात सुनी, तो मेरे से पूछ रहा है नॉयन कि अजयदा हमें की कोर हुए थे, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने नॉयन से कहा कि तू ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तू फोटोग्राफी करता है, तू कमा ले, लेकिन संडे तो तेरा है, फिजिक्स में तेरे को इतना पैशन है, तो तू बच्चों को फिजिक्स पढ़ा 1 दिन वीक में, क्योंकि तू अगर अच्छा स्टूडेंट है तो पढ़ाएगा भी बहुत अच्छा, इससे तेरा जो एच है वो 1 है और तेरा पी 6 दिन है, फिर अगर उसमें ज़्यादा मज़ा आए, बच्चे और खुश हो रहे हैं, तो विवेक को बोलना, विवेक भैया मैं 5 दिन आपके डॉक्यूमेंट्री और ये सारी चीज़ें बनाऊँगा कॉन्टेंट, 2 दिन मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, बस हो गया। तो ये मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो हमारे मित्र हैं हंस रहे हैं, लेकिन और वो खुश हो गए कि अजय भैया ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसी तरह चीज़ें होती हैं। तो आपका जो pH रेशियो है, खुद डिसाइड करिए, बट एच जो है आपका, जो आपकी हॉबी है, जो नॉयन के लिए फिजिक्स है, उस बिटिया के लिए वो पेंटिंग थी, और मेरे लिए भी कुछ चीज़ें हैं, उस पर कभी भी गिव अप मत मारिए। हॉबी आपको जिंदा रखती है, हॉबी आप है, योर हॉबी इज द रियल यू, योर प्रोफेशन इज जस्ट सो दैट यू कैन कीप डूइंग योर हॉबीज, दैट इज टू अर्न मनी, हॉबी इज व्हाट डिफाइंस यू, उस पर कभी मत छोड़िए, वो आपका सपना है, उसको पूरा करिए।